हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को वन एवं वन्य जीवन जीव संसाधन का लॉन्ग क्वेश्चन करा रहा हूँ। आप समझेंगे, उसके बाद मैं सेंड करूँगा, उसको आप कॉपी में, फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो ध्यान देना, मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा कि संरक्षण की दृष्टि से पौधों और प्राणियों को किन किन श्रेणियों में बांटा गया है। किसकी दृष्टि से? संरक्षण की दृष्टि से। तो उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसका मैंने फुल फॉर्म लिखवाया था पहले, IUCN ने पौधों और प्राणियों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है। तो पहला है सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे चीड़, पशु, साल और कृंतक, जिसे रोडेटस कहते हैं आदि। नंबर टू है संकटग्रस्त जातियाँ, ये वे जातियाँ हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है, जैसे गैंडा है, काला हिरण है, भारतीय जंगली गधा है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ, संगाई, शेर पूंछ वाला, बंदर इत्यादि इस प्रकार के जातियों के उदाहरण हैं। ये संकटग्रस्त जातियों के अंतर्गत आते हैं। अब है सुबेद, सुबेद जातियां। सुबेद जातियां क्या हैं? ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या कम हो रही है। यदि इनकी संख्या का विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या कम होती जाती है या होती रहेंगी, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। यदि इनका संरक्षण नहीं किया जाए, अभी तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन ये बाद में संकटग्रस्त जातियों के कगार पर पहुंच जाए। दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम है। दुर्लभ मतलब वैसे भी कम होता है, बहुत कम है, और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाती। अब है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या हैं? स्थानिक जातियां प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जाति, सूरत और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। जातियां है जो रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थिति पाई गई है, यानी वहां नहीं मिली है। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, महाद्वीप, देश में ही लुप्त हो गई। ऐसी उपजातियां एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख शामिल हैं। तो पेपर में एक एक नंबर में भी पूछ सकता है कि गुलाबी सिर वाली बतख ये कौन सी जातियों के उदाहरण है। चार जातियां लिख दिया जाएगा, उपजातियां, अलग जातियां, सुबह जातियां, आपको से निशान लगाना होगा क्योंकि कार पर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी मैं, ये वन के साथ उपयोगी है, जैसा लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो आप जरूर इसे लिखेंगे और याद करें। मानव जीवन के लिए वन किस प्रकार उपयोगी है? मानव के लिए वन प्रकृति की अमूल्य भेंट है, इनका मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी स्थान है। इनके बिना मानव ये समझ लो कि अधूरा है। अब क्या क्या उपयोगी है
यहाँ पॉइंट बाय पॉइंट है, लेकिन मैं हेडिंग बनाया है, आप लोग उस हेडिंग का डिटेल करना है, दो लाइन अभी समझा दे रहा हूँ कैसे डिटेल है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वन पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक, गुणवत्ता को हमें सहायक, किसकी गुणवत्ता को, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक है, ये हेडिंग है। तो डिटेल से लिखेंगे, वन मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है, यह पर्यावरण को बढ़ाता है, अगर नहीं लेंगे तो हमारा उसे इस तरह से डिटेल देते हैं। जलवायु में सुधार, दूसरे जल में वन के द्वारा ही जलवायु में सुधार होता है। तीसरी हेडिंग है मृदा अपरदन को नियंत्रित करना। चौथी है नदी प्रवाह को नियंत्रित करके। फिफ्थ है कच्चा माल उपलब्ध उपलब्धि मनोरंजन के साधन लकड़ी प्राकृतिक जीवों के लिए प्राकृतिक सहायक अनेक उपयोगों की प्राप्ति, जैसे चारा गुंद कागज इत्यादि वस्तुओं की प्राप्ति वनों से होती है, तो वन उपयोगी है। एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, वन के उपांग का वर्णन कीजिए, वन संस्कृत का वर्णन कीजिए, इसे आप कॉपी में लिखेंगे, यह वन पहले वन संरक्षण, उसके बाद उपांग है जैसे वनारोपण, जनजातियों को लकड़ी चारा छोटी मोटी राष्ट्रीय आवश्यकताओं की आवश्यकता को बढ़ाना चाहिए, तो ये है आप लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय, गुड बाय, थैंक यू।